अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई लोग? मैं 4-5 दिन से न्यूज़ देख रहा हूँ। ये जो हमारे आर्मी को मार दिए हैं आतंकवादी लोग, अभी उनकी आग भी नहीं बुझी है जब तक इस पर राजनीतिक लोग कर रहा है। पता नहीं हमारे मोदी मोदी जी क्या कर रहे हैं। सब कोई अपना राजनीति, अपना अपना राजनीति पे रोटियां सेक रहे हैं। कोई भी नेता अभी तक ऐलान नहीं किया कि कम से कम आर्मी मर रहे हैं तो कम से कम 1-1 करोड़ रुपया उन लोगों के दिया जाए। 44-45 आर्मी मर गए तो कम से कम 1-1 करोड़ का ऐलान तो दो। खाली भाषणबाजी से क्या होगा? बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बदले से उनके बच्चे का पेट भर जाएगा। हैं, थोड़ा मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि बदले से अगर उनके बच्चे का पेट भर जाएगा तो बताओ थोड़ा मेरे को। उसके लिए कम से कम ऐलान तो करो, कम से कम इतना इतना कि उनके बच्चे, कम से कम आर्मी के बच्चे हैं तो सर उठा के अपना कम से कम जिएंगे तो शान से। कम से कम 1-1 करोड़ का तो ऐलान तो करो। कोई पैसा का कोई वो नहीं हुआ, आपके भाषण सुन के उन लोगों का पेट भर जाएगा। जितना पॉलिटिक्स आप लोग कर रहे हैं, कांग्रेस बीजेपी, आप लोगों की बात सुन के उन लोगों का पेट भर जाएगा उनके बच्चे का। अगर भर जाएगा तो मेरे को थोड़ा बताओ कि उन लोगों के पास भी पेट है, उनके पास भी बच्चे हैं, उनके पास बच्चे का फ्यूचर है, कैसे पढ़ाई करेंगे? फिर आप देते कितना है? और उनके बाप मर गए हैं, किसी का फादर अगर मर जाते हैं, आर्मी में रहते हैं, तो उनका कितना मिलता है पैसा? मेरे को थोड़ा कमेंट में लिख के बताओ। 10 ना 20 हज़ार, 20 हज़ार से उनका अगर 4 बच्चे हैं तो उनके फ्यूचर बन जाएंगे, वो क्या कर सकते हैं? ये बताओ, दिल्ली के अंदर में कोई भी पुलिस वाला अगर ड्यूटी के टाइम में मर जाता है या कोई हादसा हो जाता है उनके साथ, तो केजरीवाल ने 1-1 करोड़ रुपया देता है। खाली पुलिस वाले का 1-1 करोड़ रुपया मिलता है, फिर आर्मी वाले के लिए, उनके लिए पैसा नहीं है आप लोगों के पास? हाँ, आप लोगों का बुलेट ट्रेन, उसके बाद क्या बोलते हैं, विकास, फिर कौन कौन सा स्वच्छ, पता ना कौन कौन सा, आप लोगों का भाषण तो बहुत बड़े बड़े हैं। ये क्या बोलते हैं, गंगा सफाई में, फिर कौन कौन सर सफाई में 500-500 हज़ार हज़ार करोड़ रुपया आप लोगों का खर्च होता है, फिर कुछ भी नहीं होता है, किसी को पता भी नहीं लगता है। फिर आर्मी जो मरते हैं, जो शहीद हो जाते हैं, आप लोगों के, हमारे लिए, सबके लिए, हमारे जितने हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के लिए अपना जान देते हैं, उनके लिए आप लोगों के पास पैसे नहीं है? कितना घटिया आप लोग राजनीति कर रहे हो, कितना घटिया, इससे भी घटिया राजनीति होता है क्या? हैं, अभी आग आग बुझी नहीं जब तक आप लोग राजनीति शुरू कर दिए। मगर आप लोग क्या चाहते हो? अगर जितना हिंदुस्तान के अगर आर्मी बॉर्डर पे ना रहे तो आप लोग तो चैन से, ना मैं चैन से सोऊंगा ना कोई सोएगा। उनके लिए पैसा नहीं है आप लोगों के पास। हैं, आप लोग के लिए प्राइवेट जेट चाहिए, फिर उसके बाद कहाँ कहाँ जाते हैं, उसमें कितना पैसा, कितना 1,000 करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, ये नहीं मालूम है आप लोगों को? गुस्सा तो हम लोगों का आतंकवादी पे नहीं, हमारे नेता पे आ रहा है, क्योंकि आप लोग इतना घटिया आदमी हो ना सारे। मैं किसी के एक का नहीं बोल रहा हूँ, जितना भी पॉलिटिक्स, जितना भी है नेता, इतना घटिया है कि बता नहीं सकते हैं। इतना घटिया राजनीति मत करो कि पब्लिक रोड पे आ जाए, फिर लास्ट में आप लोगों को मार के हालत बिगाड़ दे, फिर दौड़ा दौड़ा मारे। हैं, उन लोगों से ज़्यादा तो गुस्सा आप लोगों पर, हम लोगों का आ रहा है, पब्लिक का। कम से कम 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ का ऐलान करो उन लोगों के बच्चे के फ्यूचर के लिए। हैं, इतना घटिया आप लोग राजनीति कर रहे हो। पहली बात तो, एक भी नेता हो कमेंट में लिखे या कहीं पे भी मेरे को बता दे कि एक नेता का बेटा आर्मी में हो। हैं, सब बिजनेसमैन हैं, फिर सब बाहर पढ़ते हैं, फिर जो आर्मी का बच्चा मरता है वो पढ़ेगा कैसे? हैं,
उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? हिंदुस्तान के लिए उसका उसका फादर का वो अब शहीद हुआ है हिंदुस्तान के लिए, तो उसका फ्यूचर के बारे में कौन सोचेगा? आप लोग इतना घटिया राजनीति कर रहे हो, आप लोग राजनीति के लिए पता नहीं आप लोग किस किस को बेच सकते हो। आप लोग कम से कम शर्म करो, कम से कम हिंदुस्तान के आर्मी के लिए आप लोगों के पास पैसा नहीं है। आप बताओ, बीच में आर्मी वाले जितना जो रिटायर आर्मी हैं जो दिल्ली में आए थे, उनके लिए तो कोई मीडिया नहीं था, कोई कुछ भी नहीं दिखाया है। वो अपने पेंशन के लिए, वो अपने हक के लिए, वो अपने फ्यूचर के लिए जो रिटायर हो गए हैं, उनको सही से उनको सैलरी वो नहीं मिलता है, वो अपने उसके लिए लड़ रहे हैं, कोई मीडिया नहीं दिखाया। आज सब मीडिया वाले देख रहे हैं कि अपना अपना बात रख रहे हैं। अभी बात क्या, अभी कुछ हुआ नहीं जब तक। सिर्फ हम लोगों का ये है कि बदला लेना है, बदला लेना है। बदला तो बाद की बात है, बदला तो लेंगे, सब कोई जानता है बदला ले सकते हैं हम लोग, हमारे अंदर उतना क्षमता है। वो कम से कम इतना गंदा तो राजनीतिक मत करो, इतना गंदा तो मीडिया वाला मत बनो कि कम से कम उनके बच्चे के बारे में तो बोलो, कम से कम उनके बच्चे के फ्यूचर के बारे में तो कुछ बोलो। हाँ, पता नहीं ये इंडिया का मीडिया, फिर इंडिया के नेता कहाँ जा रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, किसी आदमी को नहीं समझ में आ रहा है। यार इतना गंदा मत बनो कि ऊपर वाले कम से कम मरोगे तो मुंह तो दिखाओगे कि मैं अपने पब्लिक के लिए कुछ किया हूँ। आप लोगों को पब्लिक चुन के लाता है किस लिए? अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, सबके लिए। फिर आप लोग इतना घटिया बन गए, इतना गंदा राजनीति कर रहे हो, पता नहीं आप लोग क्या चाहते हो पब्लिक से। अगर किसी को मेरा बात से अगर सहमत है, अगर या इस किसी को भी तकलीफ हुआ है, तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ, ठीक है मैं गलत बोला हूँ या सही बोला हूँ। मगर ये सही नहीं है, ये आप लोगों का तरीका, राजनीति का तरीका सही नहीं है ना। मैं मोदी जी के 4 दिन से 5 दिन से सुन रहा हूँ, जब से ये अटैक हुआ है इतना दिन से मैं सुन रहा हूँ, कभी भी पैसा का ऐलान नहीं किए कि चलो 2-2 करोड़ उन लोगों बच्चे का दिया जाएगा, उनके फ्यूचर के बारे में, उनके पढ़ाई के बारे में, उनका सबका खर्चा उठाया जाएगा, कुछ भी नहीं। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है।